हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जामपीडिया। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नेम है HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप 2022-2023। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी रहेगा क्लास 1 to 12 स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड कैटेगरी रहेगा UG अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड कैटेगरी रहेगा PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए एक एक करके तीनों कैटेगरी के बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं कि उसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं डिटेल्स से। तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम, यानी क्लास 1 to 12 स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके डिटेल्स के बारे में चलिए जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगे। इसके डिटेल्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है इसका यह है कि पहला तो है कि आप इंडियन होने चाहिए, और उसके बाद है कि आप क्लास 1 to 12 में किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में स्टडी कर रहे हों, उसके बाद है कि आपने प्रीवियस क्लास में 55% मार्क्स अचीव किया हो, उसके बाद आपका फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और उसके बाद यह है कि यह उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ही नीड होगी, यानी कि मेरिट कम बेस्ट स्कॉलरशिप है ये। बेनिफिट्स की बात करें तो क्लास 1 to 6 स्टूडेंट्स के लिए 15,000 रुपये हैं, और क्लास 7 to 12 के लिए 18,000 रुपये इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए 2021 से 2022 का, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके बदले आप 2020-21 सेशन का भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट क्लास 1 to 12 के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी होता नहीं, तो आप आधार कार्ड नॉर्मली डाल दीजिए। उसके बाद आपको करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, फिर रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना बैंक पासबुक डालना है उसकी, या फिर कैंसिल चेक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ्स डालना होगा, इनकम प्रूफ वो डालना है जो यहाँ तीन दिया हुआ, आप इन तीनों में से किसी एक का डाल सकते हैं, जैसे कि पहला है कि इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसिलर और सरपंच के द्वारा इशूड होगा, वो भी आप डाल सकते हैं। दूसरा है कि आप SDM, DM, CO या तहसीलदार से इशूड भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एफिडेविट डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना फैमिली या फिर आपका पर्सनल क्राइसिस में है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2022 तक लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आप यहाँ सिंपल अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई यहाँ से, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आप वहाँ से धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर दूसरे स्कॉलरशिप की बात करें तो यह है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, यह भी मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वालों के लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो पहला है कि वो इंडियन नेशनल्स के होने चाहिए, उसके बाद है कि वो किसी भी जनरल ग्रेजुएशन कोर्स या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल्ड होने चाहिए। जनरल ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो BCOM, BSc, BA, BCA एक्सेट्रा है, और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो BTEC, MBBS, LLB, BArc, नर्सिंग, ये इन किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होने चाहिए। उसके बाद है कि स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं क्लास 10th या 12th के बाद, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप उसके बाद है कि आप अपना प्रीवियस एग्जामिनेशन 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो, और आपका एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इसमें भी प्रेफरेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनको जिनकी फैमिली क्राइसिस में है और उन्हें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बेनिफिट्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स में जो स्टूडेंट्स इनरोल हैं उनको 20,000 रुपये इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत मिलने वाले हैं, यानी 20,000, एंड जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो इनरोल हैं उनको 30,000 रुपये मिलेंगे, और जो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इनरोल हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट्स की इसमें भी रिक्वायरमेंट है, फिर भी आप एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड नॉर्मल आप डाल सकते हैं इसमें, उसके बाद करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए। एडमिशन प्रूफ में आप फिर रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट पासबुक डालना होगा, उसके बाद या फिर कैंसिल चेक भी आप डाल सकते हैं। इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, उसके बाद अगर आपका फैमिली या फिर पर्सनली आप क्राइसिस में तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ का बटन है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई
डायरेक्ट वहाँ से बड़ी फॉरेस्टरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लास्ट स्कॉलरशिप कैटेगरी की बात करें तो यह है HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। यह भी मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें और बेनिफिट्स की, तो एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्स्ट है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, उसके बाद है कि आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल होने चाहिए, जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे MCOM, MA एक्सेट्रा, और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे MTech, MBA एक्सेट्रा, यानी इनमें से किसी में भी आप इनरोल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें भी प्रीवियस क्लास आपको 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना मस्ट है। उसके बाद आपका फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जो इनरोल है उनको 35,000 मिलेंगे और जो प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल है उन्हें 75,000 मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगभग सेम है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई इसकी भी लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।